Saj and Qasim Vlogs. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप YouTube family? I hope आप ठीक ठाक होंगे. हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं. तो पहले तो सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक हो. और आज मैं अपने घर ख़त्म के लिए ये खीर बनाने लगी थी, तो सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं. काफ़ी लोग मेरी फ्रेंड ने काफ़ी कह रही थी कि तुम अपनी कुकिंग की वीडियोस डालो, तो आज मैंने सोचा चलें खीर बनाने लगी हूं और आपको भी साथ दिखाती चलूं कैसे बना रही हूं. चलें जी, ये इंग्रेडिएंट है जो मैं खीर के लिए इस्तेमाल करूँगी. तो मैं तो रफ़ आइडिया लगाती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं घर के लिए बनाती रही हूँ, तो मुझे तो वही आइडिया, तो उसी आइडिया से मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए आपको चाहिए होंगे आधा कप चावल जो आपने वॉश करके भिगो के रख लेने हैं. उसके बाद ये इलायची है, मैं तो साबुत इलायची डालती हूँ, अगर किसी ने पाउडर डालना है तो वो भी डाल सकता है. और उसके बाद ये केवड़ा वाटर मैं यूज़ करती हूँ खुशबू के लिए, तो ये है. और ये थोड़ा सा बटर इस्तेमाल करती हूँ, और ये शुगर है, और इसमें 2 लीटर दूध डालूंगी. तो ये इंग्रेडिएंट है मेरे जो जिनसे मैं अपनी खीर बनाती हूँ. तो आपको ये बताती चलूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि ये बटर किस लिए. तो आप अक्सर जो औरतें हैं उनकी कंप्लेन होती है कि हमारी अक्सर खीर लग जाती है. तो अगर आपने बेफिक्र हो कि खीर बनानी है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक टिप है कि आप हमेशा उसमें थोड़ा सा बटर, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून या 2-1.5 टेबल स्पून तकरीबन होगा ये पीस, तो आप ये उसमें शामिल करें, जिसकी वजह से आपकी खीर नहीं लगेगी और खीर बड़े मज़े की बनेगी. चलें जी, आप शुरू करते हैं खीर बनाने. और ये मैंने, आप जिस पानी में मैंने चावल भिगोए हैं वो जो पानी है और जो चावल है, क्योंकि देख ले पानी बिल्कुल साफ है, अच्छी तरफ धोए हुए हैं चावल है, ये मैं इसी के समेत इसमें डाल दूंगी. ये गए चावल, इसी के अंदर ये जो बटर है थोड़ा सा, ये मैं इसमें डाल दूंगी. और ये इलायची है जो, वो भी डाल दें. अब पहले मैं थोड़ा सा इन चावलों को इस पानी में उबालूंगी, तो जैसे ही ये चावल इस पानी में उबल जाएंगे और थोड़े से नरम हो जाएंगे, तो फिर मैं अपना दूध शामिल करूंगी. और ये देखें चावल अब उबलना शुरू हो गए हैं. अब इनको टाइम देंगे कि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए थोड़ा सा, और चावल जो है थोड़े से गल जाए. ये देखें जी, चावल देखें कितने लंबे लंबे हो गए हैं. आप इनमें हम शामिल करेंगे दूध, या हमने 2 लीटर दूध शामिल करना है. तो ये हो गया हमारे, तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट चले गए हैं, उसमें से सिर्फ केवड़ा और शुगर बची है जो हमने अभी नहीं डालनी. मैं साथ साथ अपनी चीजें संभाल रही हूँ ताकि मैस ना बने. अब बस हमने इसका वेट करना हो, दूध उबल जाए, और उसके बाद जब उबलेगा तो ध्यान रखना कि कहीं चूल्हे पे ना गिर जाए, जो अक्सर हो जाता है. और ये बस फिर आपने इसको
चमचा मिलाते रहना ताकि ये लगे नहीं, लगेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर जो मैंने बटर डाला है उसकी वजह से ये नहीं लगेगी खीर। तो अब हम इंतजार करेंगे इसके उबलने का। और प्लीज आप बोर ना होना क्योंकि मैं शॉर्ट वे से कुछ भी चीज नहीं बनाती, ऑलवेज मैं अपनी कुकिंग को जैसे वो मेरी अम्मी बनाती थी बड़ा लॉन्ग टाइम लेके, वैसे ही मैं चीज बनाती हूँ क्योंकि शुरू से मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मेरे बच्चे और मेरे मियाँ जो है ना वो यूज टू हो गए हैं। कोई सा भी थोड़ा सा वो मैं शॉर्ट वे करना चाहूँ या कोई चीज करूँ तो मेरे बच्चे फौरन से पकड़ लेते हैं कि आज मम आपने क्या किया, कि वो वाला मजा नहीं है। तो मुझे जैसे मैं शुरू से बनाती हूँ वैसे ही मुझे बनाना पड़ता है और मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट वे से खीर का टेस्ट यही बनता होगा जो बन रहा है। ये देखें अब इसमें दूध में उबाल आ गया, तो अब हमने आग थोड़ी सी आस्ता कर देनी और इसको बस इसी आंच में पकते रहने और इसके साथ आप वक्ते वक्ते से इसको हिलाते रहें बस। और साइडों से दूध उतारते रहें ताकि गले ना। अब बस मैंने इसको ऐसे ही पकाते रहना है जब तक ये चावल इसमें बिल्कुल मिक्स ना हो जाएं और ये बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएंगे चावल इसमें। बस ऐसे ही इसको पकाते रहना, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ कहीं आप लोग बोर ना हो जाएं क्योंकि ये काफी लंबी रेसिपी है। तो एंड पे मैं इसका आपको टाइम बता दूंगी कि इतना टाइम लगा के मैंने ये खीर बनाई है। और ये देखें ये भी ऐसे ही पक रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताती जाऊं, जब चावल इस तरह हो तो इन चावलों को तोड़ना नहीं, इनको ऐसे ही पूरे चावल दूध में पकने दें, ये खुद ही पक पक के जैसे फूट जाते हैं चावल ना ये हो जाएंगे। तो अगर आप उनको कच्चे चावलों को तोड़ोगे तो वो दाना दाना खीर में रह जाता है। तो अब मैं ऐसे इसको रहने दूंगी और इसको इधर ही छोड़ के साथ में अपने जो भी काम करना है बस इतनी आंच पे इसको छोड़ दें और आप चाहे साथ और कुकिंग करें, बर्तन धोएं, जो मर्जी करें, ये खीर लगेगी नहीं। जब हम बहुत नज़दीक इसके चले जाएंगे, जब थोड़ी ये गाढ़ी हो जाएगी फिर जाके हमें इसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, पर अभी आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये देखेंगी कि अब मेरी खीर की ये शक्ल हो गई है, एक घंटा हो गया इसको पकते हुए। और ये देखें आप, ये चावल जो है वो सारे टूट गए हैं और जो बचे हैं वो मैं पैंदों के साथ ऐसे ऐसे उनको मिक्स कर रही हूँ साथ साथ। और ये देखें और ये एक घंटे से पड़ी हुई है ऊपर, इसके मिडल में मैंने काफी अपने काम भी खत्म कर लिए हैं और मुझे फिक्र भी नहीं थी कि ये लगेगी क्योंकि ये कोई चांस नहीं अभी लगने के इसके। ये देखें जी खीर बस तैयार हो गई है तकरीबन, और अभी भी आप मैंने इसको और पकाना है ताकि ये क्रीम सी बन जाए, क्रीम टाइप की। देखें चावल आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, वैसे भी मैं ये साथ साथ चमचा चलाती रहती हूँ और अगर कोई चावल बचे तो वो पीसती रहती हूँ साथ के, कोई नजर ना आए। ये साथ मेरे मियाँ जी भी उठ के आ गए हैं क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करते हैं तो अभी उठे हैं, तो ये साथ उनके लिए मैंने चाय भी रख दी है। और जितनी देर में मैंने ये खीर पकी है तो इतनी देर में मैंने अपना ये कीमा भी रेडी कर लिया है कबाबों का, बर्तन भी वॉश कर लिए और बस अब जिस स्टेज पे खीर, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, अब इसका ध्यान रखूंगी और चमचा मुसलसल हिलाती रहूंगी ताकि ये लगेगी फिर भी नहीं, लेकिन ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। मेरी सारी फ्रेंड अक्सर पूछती है
जब भी खीर खाती हैं कहती हैं हम भी बनाती हैं लेकिन हमारी खीर ऐसे नहीं बनती, तो तुम्हारी खीर का क्या राज है? तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मेरा कोई राज नहीं होता मेरी कुकिंग का यही राज है कि मैं ऑब्वियसली टाइम लेके बनाती हूँ, कोई भी चीज़ बनाती हूँ। शॉर्ट वे से ना मैंने कभी बनाई है और ना ही मेरे से कभी बनती है। ये पूरा बनने के बाद फिर इंशाल्लाह, अभी मैंने इसमें शुगर नहीं डाली, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि शुगर कैसे इसके अंदर डालूं। और साथ ये खीर जो है मेरी बहू भी सीख रही है कि कैसे बनानी है। और प्रिया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। खुशबू कैसी आ रही है? बहुत ही अच्छी। अब नेक्स्ट टाइम आपने भी ऐसे ही बनानी है। साथ साथ मियां जी की चाय भी रेडी हो रही है। ये लें जी, साथ साथ मियां जी का नाश्ता भी रेडी हो गया, तो मैं अब उन्हें देने जा रही हूँ। वो बहुत ही सिंपल सा नाश्ता करते हैं, इतना हैवी नाश्ता नहीं वो करते, तो साथ साथ खीर के ये नाश्ता भी रेडी हो गया। तो ये देखें व्यूवर्स, खीर हमारी रेडी है। ये देखें, अब इसमें मैंने शुगर अभी तक नहीं डाली। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जैसे घरों में नॉर्मल खीर बनती है तो आपने अगर वैसी बनानी है तो आपने क्या करना है कि सिंपली इसमें शुगर थोड़ी सी देर पहले डाल के तो उसको थोड़ी देर पका लेना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने शादियों पे जो जाते हैं तो वो खीर खाते हैं जिसका लाइट क्रीमी ब्राउनी सा कलर होता है, तो वो अगर करनी है तो उसके लिए चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है वो वाला मेथड। ये लें जी, ये मैंने फ्राई पैन लिया छोटा सा और उसमें मैंने ये एक कप शुगर डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा हल्की आग पे इसको रोस्ट करेंगे। बस इसको ऐसे थोड़ा सा भूनने के बाद शुगर को इसमें फिर मैं पानी ऐड करूंगी। ये देखें, ये मेल्ट हो रही है शुगर, और ध्यान रखना कि ये ना जले ना, मिक्स करते रहे। इसको मैंने कैरमलाइज करके तो फिर मैंने इसमें ना ऐड करना है। अगर आपको कच्ची शुगर डालेंगे तो उससे उसका रंग सफ़ेद ही रहेगा खीर का, और अगर आप सोचते हैं कि शादियों पे आप अक्सर आपने देखा होगा लाइट पिंक ब्राउनी सी होती है उसका कलर होता है, और थोड़ा सा टेस्ट में भी उसके फ़र्क होते हैं, तो वो बनाने के लिए अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो उसमें ये मेथड यूज़ करें कि चीनी को कैरमलाइज करके फिर उसके अंदर शामिल करें। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन मजा लेना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। ये देखिए, ये मेल्ट होना शुरू हो गई है।
ये देखिए शुगर मैं थोड़ी कम ही डालती हूँ क्योंकि मैं खुद भी डायबिटिक हूँ और थोड़ी बहुत ही खा तो मैं भी लेती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं अपना ध्यान भी रखती हूँ। तो वैसे आप लोग ये डालने के बाद टेस्ट कर लें, अगर आप आपके हिसाब से शुगर ठीक है तो ठीक है, वरना अगर सोचते हैं कि थोड़ी है तो आप कच्ची शुगर ऊपर से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए दोबारा कैरामलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको। मैं तो बिल्कुल हल्की सी शुगर डालती हूँ, उसकी वजह से बच्चे भी मेरी फैमिली भी यूज्ड टू हो गई है, तो फिर मैं उसी हिसाब से मीठा रखती हूँ उसका। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। आपको पानी डालना पड़ेगा, ये छींटे सारे पड़ेंगे। ये होगी रेडी। अब ये देखें खीर का कलर, ये टोटली वाइट कलर की है। ये देखें खीर का कलर बिल्कुल सफेद है, और जैसे ये मैं ऐड करूंगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और वो शादियों वाली खीर जैसी मिलती है या होटलों वगैरह में अक्सर वो वाला कलर। देखिए कितना प्यारा इसका कलर हो गया। मैं इतना सा ऐड करके इसकी शुगर टेस्ट करूंगी कि इनफ है या मुझे मैं पूरा डालना है, क्योंकि आपको पता है मैं अक्सर घर से ये बनाती हूँ चीज, तो ये अंदाजे से चीजें बनाती हूँ, मैं कभी मेजरमेंट तो चीजों का किया नहीं। तो अभी मैं इसको टेस्ट कर लूंगी। ये देखें इसका कलर कितना प्यारा हो गया। ये पूरा ही जाएगा एक कप इसमें। से हमने ये केवड़ा बटर है, और ये केवड़ा बटर भी बिस्मिल्लाह मैं इसमें ऐड करूंगी। ये देखिए आप इसका कलर, ये देखिए शादियों वाली बन गई है ना, तो इसके टेस्ट में भी थोड़ा सा फर्क होता है। जो आप सिंपल डालते हैं शुगर तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फर्क होता है इसके टेस्ट में। ये देखिए आप हमारी खीर रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, और मज़े भी बहुत मज़े की होगी। पर अफसोस आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसी तरीके से अगर जाके बनाएंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट भी आपको पता चल जाएगा कैसा टेस्ट बना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको देखने के लिए कि कितनी थिक और कितनी पतली हमने अगर रखनी है तो वो कैसे चेक करें, तो ये जो है ना मैं आपको साथ टिप एंड ट्रिक्स बताती जाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको ना एक खुश्क प्लेट में डाला है, और ऐसे करोगे तो ये मूव इतनी जल्दी मूव नहीं होगी, तो इस जब इस वो ऐसे हो जाए तो सोचें खीर रेडी है। तो ये देखिए हमारी खीर रेडी हो गई है। और एक और बात साथ बताती चलूं कि आप लोग कहेंगे कि खीर तो बनाई है ना पिस्ता ना बादाम ना कुछ, तो मैं नहीं डालती इसमें क्योंकि मेरे बेटे को नट एलर्जी है, उसकी वजह से मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती, लेकिन इलादा मैं सर्व करती हूँ, जिसने डालनी होती है वो डाल लेता है और जिसने नहीं डालनी तो वो नहीं डालता। तो मुझे तो खुद भी अपनी खीर ऐसे ही पसंद है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। चले जी लें, ये हमारी खीर रेडी हो गई है, और अब मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा कोकोनट डालूंगी।
आपकी मर्जी है जितना मर्जी डाल के खाएं, लेकिन मैं ये सिर्फ ये ख़त्म वाली प्लेट बनाई है सिर्फ उसी पे, और जिसने डालना होगा डाल लेगा। तो ये देखें जी, ये हमारी खीर रेडी है, और जाएं और ट्राई करें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते जो बेल आइकॉन है उसकी गर्दन दबाते जाएं।